आप महाराजपुर में किन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव में उतर रहे हैं? जिस फील्ड में भी देखें वहाँ लोग परेशान हैं, और उनकी एक बुलंद आवाज़ बनने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हम राजनीति में आए। आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना अपनी राजनीति के लिए? कोई विकास नहीं हो रहा है हमारी विधानसभा में, हमारे प्रदेश में सब भ्रष्टाचारी मची हुई है। इसी बात को लेकर हमने देखा समझा कि अगर लोगों की आवाज़ बनना है, अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से। लेकिन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा अस्तित्व नजर नहीं आता अभी। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं, सीधे सत्ता में आती है। टीका राजा कामाख्या प्रताप सिंह को भाजपा ने टिकट दे दी है, बहुत बड़े घर से आते हैं, बड़ा नाम है उनका, उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम है, काम इनका बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ अभी कांग्रेस के विधायक है नीरज दीक्षित, आप किस तरह से उनके कार्यकाल को रेखांकित करते हैं? देखिए, 5 साल के कार्यकाल में मैंने सिर्फ एक ही कार्य देखा है कि लगभग हर शादी में वो पाए जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि रामजी पटेल को कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है। तो मैं बता दूं आपको कि हाँ, मुझे धन मिला है, और थोड़ी नहीं मिला है, बहुत मिला है। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में 15,000-18,000-20,000 के लगभग जो पटेल वोट हैं वो मिल जाएंगे, ओबीसी की राजनीति करेंगे, ओबीसी महासभा का साथ ले लेंगे, तो ओबीसी मतदाता मिल जाएंगे, क्या ये आपकी जीत का गणित है? नमस्कार, मध्य प्रदेश की राजनीति पर हमारी निगरानी लगातार जारी है। पेप्टिक टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें जनता के पास ज़्यादा विकल्प होते हैं। जिस तरह आपके पास बहुत सारी सेलुलर कंपनियों के ऑफर होते हैं कि आप अपनी मनपसंद सिम खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह बेहतर गुणवत्ता वाले नेता भी अगर आपके पास मौजूद हों तो आप चुनाव में उनको देखकर अपने मतदान को बेहतर बना सकते हैं। जनता के पास कौन कौन से विकल्प हैं और इन विकल्पों के खास क्या है, वो आपके लिए क्या काम कर सकते हैं, उनकी सोच क्या है, इसी मुद्दे पर हम एक सेगमेंट चला रहे हैं जिसका नाम है बागडोर। राजपाट के अंतर्गत बागडोर के सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामजी पटेल। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की कुछ ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, इन्हीं में से एक सीट है महाराजपुर। रामजी पटेल यहां से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वे जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने लगे हैं। इस सीट पर भाजपा ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भंवर राजा के पुत्र टीका राजा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रामजी पटेल, उनसे बात करेंगे, उनके सोचने समझने का ढंग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वे चुनाव में किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। स्वागत है रामजी पटेल आपका हमारे स्टूडियो में। पहला मुद्दा तो वही जो मैंने जनता से आपका परिचय कराते हुए कहा, आप महाराजपुर में किन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव में उतर रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैं एक किसान का लड़का हूं और मैंने देखा कि किसान सबसे ज़्यादा हमारे देश में सताए हुए हैं। उनके हक और अधिकार, जो वो दिन रात मेहनत करके पसीना बहा करके फसल को उगाते हैं, तो उनको ना तो सही फसल का रेट मिलता है और ना ही उनको समय पे बिजली उपलब्ध होती है और ना ही खाद बीज मिलता है। तो यही हाल मजदूर वर्ग का भी है, यही व्यापारी वर्ग का भी है। तो जहाँ जिस फील्ड में भी देखें वहाँ लोग परेशान हैं, और उनकी एक बुलंद आवाज़ बनने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हम राजनीति में आए, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, ना सरकारी नौकरी दी जा रही है और ना ही उनको उद्योग या बिजनेस स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट की किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है। तो उनकी आवाज़ बनने के लिए किसानों को समय पर खाद मिले, समय पर लाइट मिले, समय पर बिजली, और उनको सही ढंग से उनकी फसल का रेट मिले, उनकी आवाज़ बनने के लिए मजदूर वर्ग के लिए हम राजनीति में आए हैं। वैसे हमें राजनीति की करने का कोई शौक नहीं था, हम एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जी। आप बहुत नई उम्र के हैं, अभी युवा होने के साथ ही आपने राजनीति में प्रवेश कर लिया। जब आप राजनीति में आ रहे थे तब आपने ये भी सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दो मुख्य धारा के दल हैं,
मध्य प्रदेश में यही दो दल हैं जिनके बीच सीधी टक्कर होती है तमाम विधानसभा क्षेत्रों में। फिर ऐसे में आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना अपनी राजनीति के लिए? देखिए, मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासनकाल भी देखा हुआ है, बीजेपी का भी देखा हुआ है। लगभग 18 साल बीजेपी ने शासन किया और इसके पूर्व कांग्रेस भी रही, अभी बीच में 15 महीने भी कांग्रेस की सरकार रही है। तो 15 महीने में आपने देखा होगा, महाराजपुर विधानसभा की जनता ने देखा होगा, कर्मचारी वर्ग ने भी देखा कि कितना परेशान हुए थे लोग 15 महीने में। और इसके पहले बीजेपी आज भी क्या कर रही है, देश में कोई विकास नहीं हो रहा है, हमारी विधानसभा में, हमारे प्रदेश में सब भ्रष्टाचारी मची हुई है। तो हमने देखा कि अगर साफ स्वच्छ राजनीति अगर की जा सकती है तो वो राजनीति नहीं, एक जनता की सेवा है। और सेवा हमारी आम आदमी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में शासन चल रहा है, पंजाब में हमारी जो सरकार है, वहाँ पर भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी की जो भी योजना आती है लोगों तक पहुँचते पहुँचते 50% तो उनको सिफारिश देनी पड़ती है तब उन्हें उस योजना का लाभ मिलता है। और हालांकि दिल्ली में ऐसा नहीं है, किसी को भी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी सरकारी कार्य का काम के लिए। एक नंबर जारी किया है दिल्ली में, उस पर कॉल करो, कर्मचारी स्वयं घर आकर आपका काम करके जाएंगे। तो ये साफ स्वच्छ राजनीति है जो आम आदमी पार्टी करती है। और इसी बात को लेकर हमने देखा समझा कि अगर लोगों की आवाज़ बनना है, अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से। नहीं, ये पंजाब और दिल्ली में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा अस्तित्व नज़र नहीं आता अभी, क्योंकि यहाँ तो सीधी फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच होती है ज़्यादातर सीटों पर। देखिए, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं, सीधे सत्ता में आती है। आपने दिल्ली को में भी देखा होगा, गढ़ था बीजेपी का, लेकिन पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी। पंजाब में आपने देखा है 92 सीटें हमारी पार्टी की आई हुई थी। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बदलाव होगा, मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश ने आम आदमी पार्टी को एक महापौर दी है, दूर मत जाइए, यहाँ छतरपुर में भी देख लीजिए, 3-4 जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे, 15-20 सरपंच हुए हैं, 10-15 पार्षद हैं हमारे। तो एक शुरुआत है और ये स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी ठीक ठाक ग्राफ के साथ आगे बढ़ रही है। रामजी पटेल की ताकत महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में है क्या? आम आदमी पार्टी उनकी ताकत है या खुद का व्यक्तित्व उनकी ताकत है? महाराजपुर विधानसभा में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी ताकत है, और देखा जाए तो जो युवा साथी हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। हमको उन्हीं से एनर्जी मिलती है, उन्हीं के सहयोग से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और किसानों का सहयोग भरपूर मिल रहा है, व्यापारी वर्ग का भरपूर सहयोग है, क्योंकि देखा जाए तो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और व्यापारी वर्ग भी तरह तरह के टैक्सों को लेकर बहुत परेशान हैं। तो आम आदमी पार्टी इस तरह से जो चुनाव प्रचार कर रही है कि हम एक नया विकल्प आपको देंगे, लेकिन जब जनता के सामने पहले से ही ठीक ठाक बड़े नाम हों विकल्प के तौर पर, मैं उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ कि आपकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, टीका राजा कामाख्या प्रताप सिंह को भाजपा ने टिकट दे दी है, बहुत बड़े घर से आते हैं, बड़ा नाम है उनका, उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं तो नाम की बात है, तो सिर्फ नाम है लोगों के, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम है, काम इनका बिल्कुल भी नहीं है। एक कर्जा पे कर्जा लेकर आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं, टैक्स के माध्यम से जनता को लूट रहे हैं। और रही बात कामाख्या प्रताप सिंह की, तो उनके पिता का कार्यकाल आपने देखा होगा, जनता ने देखा हुआ है,
ये राजनीति राजघराने से नहीं चलेगी, एक किसान के घर से चलेगी, एक मजदूर वर्ग के घर से चलेगी, एक व्यापारी वर्ग के घर से चलेगी। राजनीति में उनका एक बड़ा अनुभव है, उनके पिता का एक बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के सामने रामजी पटेल जैसे युवा नेता कैसे ठहरेंगे? अनुभव मुझे भी माननीय केजरीवाल जी से है, सेवा का, सेवा के माध्यम से हम सभी दलों से संघर्ष करेंगे और एक सेवक बनके जनता की बुलंद आवाज बनेंगे, उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जीत के बाहर निकलेंगे। तो आप जिस क्षेत्र से राजनीति कर रहे हैं, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ अभी कांग्रेस के विधायक हैं नीरज दीक्षित। 5 वर्षों तक उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया उसके हिसाब से जो उनका सर्वे आता है वो ये आता है कि ठीक ठाक आदमी है, एक मिलनसार नेता है, लोगों से मिलते जुलते हैं, काम भी कुछ किए हैं। आप किस तरह से उनके कार्यकाल को रेखांकित करते हैं? देखिए, 5 साल के कार्यकाल में मैंने सिर्फ एक ही कार्य देखा है कि लगभग हर शादी में वो पाए जाते हैं और खुशी तब होती जब उस हर घर तक विकास की गंगा बहती, हर घर हर गांव तक विकास होता। तो 5 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो जिससे युवाओं को रोजगार मिला हो, किसानों को समय पर खाद बिजली मिली हो। और रही बात विकास की, तो उनके गृह ग्राम को ही देख लीजिए आप, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए क्या हाल है। कई ऐसे गांव हैं आज भी जहाँ रोड नहीं है, बरसात में लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। दूर मत जाइए, मुखर्रा में ही देख लीजिए, मुखर्रा में अभी कंप्लीट रोड नहीं है, कई जगह ट्रांसफॉर्मर नहीं अभी है। और एक सिटिंग MLA का एक कार्य नहीं है कि वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करें, FIR नहीं होती तो थाने में प्रदर्शन करने लग जाते हैं। एक राजनीति चमकाना है, अरे आपकी तो ये कॉल से काम हो जाना चाहिए, इतनी पावर होती है MLA को। तो वो तो विपक्ष की राजनीति करते रहे तो कितना पावर होगा एक विपक्ष के विधायक के पास? देखिए, जनता के प्रतिनिधि हैं वो, और आज की डेट में देखा जाए तो पावर जनता की होती है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। और ऐसा नहीं है, आपके सैम के काम के लिए, आपसे जुड़े हुए लोगों के काम के लिए तो आपकी राजनीति काम हो जाता है, और वही अगर आपसे जुड़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए फिर आपको धरने पे बैठना पड़ता है उसके साथ राजनीति चमकाने के लिए। ये कहाँ की राजनीति है? ट्रांसफॉर्मर को लेकर, छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप तहसील का घेराव करते हैं, अरे आपको तो वहाँ से आवाज़ लगानी चाहिए। ऊपर से विकास कार्य आते हैं वो तो सभी विधानसभाओं के लिए समान आते हैं, फिर वहाँ से तो नहीं देखा जाता है कि यहाँ कांग्रेस का विधायक है कि यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है, यहाँ योजनाओं का लाभ पहुँचना है कि नहीं पहुँचना है। आज महिला सम्मान नहीं दिए, सबके पास जा रहा है ना, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो वहाँ सबके पास पहुँच रही ना योजनाएं, फिर बाकी और विकास कार्य क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? फिर उसके लिए क्यों बहाना बनाया जाता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है। 15 महीने सत्ता में रहे भी तो क्या किया है 15 महीने में? अच्छा ये बताइए कि रामजी पटेल अपनी राजनीतिक जीत का आधार इस बात को मान रहे हैं कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में 15,000-18,000-20,000 के लगभग जो पटेल वोट हैं वो मिल जाएंगे, OBC की राजनीति करेंगे, OBC महासभा का साथ ले लेंगे तो OBC मतदाता मिल जाएंगे, क्या ये आपकी जीत का गणित है? देखिए, ना मैं जाति की राजनीति करता हूँ, ना OBC SC ST की राजनीति करने आया हूँ मैं। एक्चुअल में देखा जाए तो उस हर उस युवा के लिए, उस बेरोजगार के लिए और उन युवा साथियों की दम पर कार्य कर रहा हूँ जिन्होंने आज तक मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया, उन पिता तुल वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद का आभारी हूँ, जिनके आशीर्वाद की बदौलत, जिनके प्यार स्नेह की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं राजनीति देखा जाए तो एक्चुअल में नहीं करने आया हूँ, मैं महाराजपुर विधानसभा का बेटा बनने फील्ड में आया हूँ और एक दिन बेटा बन के दिखाऊंगा और उनकी सेवा करके भी दिखाऊंगा। आपने कहा कि लोगों का संघर्ष
को आवाज़ देने आए हैं, लोगों के संघर्ष में उनका साथ निभाने आए हैं। आपका खुद का संघर्ष कितना बड़ा है? अभी कहते हैं कि वो जुमा जुमा 7 दिन ही हुए हैं, आपका एक नया नाम उभरा है महाराजपुर की राजनीति में, और ये कि आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट भी दे दिया। क्या आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कहाँ से राजनीति शुरुआत की है, क्या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? कुछ लोग तो कहते हैं कि रामजी पटेल को कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है और उसी धन के कारण वो अचानक से नेता बन के प्रकट हो गए हैं। क्या है पूरा माजरा, आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, सन 2013 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की, बाहर रहा प्राइवेट जॉब्स की, देखा कि हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारी विधानसभा कितनी पिछड़ी हुई है, कितने पीछे हैं हम लोग। हमने 4 साल जॉब करने के बाद निर्णय लिया कि हम भी सेल्फ का बिजनेस डालेंगे, हम भी अपने देश की तरक्की में छोटा सा योगदान करेंगे। काफ़ी संघर्ष करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने गृह ग्राम में ही कुछ कार्य करें, जिससे गांव का नाम हो, विधानसभा का नाम हो, परिवार का नाम हो, जिले में एक बिजनेस स्थापित हो, जिससे लोकल के लोगों को पलायन ना करना पड़े बाहर। और भले ही जैसे मैं 15 लोगों को ही बाहर जाने से रोक पाया, तो ये मैं बहुत बड़ी बात समझता हूँ, वरना मैं स्वयं बाहर था। तो देखा जाए तो 4 साल जॉब करने के बाद फिर देखा, बिजनेस किया, बिजनेस डाला, बिजनेस के बाद देखा कि इसके बाद भी बात नहीं बनने वाली है। सिर्फ 15 लोगों का भला करने से या 15 लोगों को रोजगार देने से हमारी विधानसभा में तरक्की नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है मध्य प्रदेश में, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। फिर इसी बात को लेकर हमारे युवा साथियों ने, सहयोगी साथियों ने, पिता तुल्य वरिष्ठ जनों ने इशारा किया राजनीति की ओर, समाज सेवा की ओर, तो हमने समाज सेवा की ओर अपने कदम रखा। अब समाज सेवा किसी भी पद का दायित्व लिए बिना सतत नहीं की जा सकती, उसका भी एक टाइमिंग रहता है, आप कब तक संघर्ष कर पाएंगे। तो इसके लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ा, एक पार्टी का सहारा लेना पड़ा। पार्टियों में देखा तो साफ स्वच्छ पार्टी अपन को आम आदमी पार्टी समझ में आई, तो हमने आम आदमी पार्टी से शुरुआत की अपनी राजनीतिक। लेकिन आदमी शुरुआत करता है, वो सरपंच बनता है, जनपद का सदस्य बनता है, जिला पंचायत का सदस्य बनता है, आप सीधे विधायक बनने उतर गए। अरे तो सरपंच है ना, हमारे भाई सरपंच भी हैं, हमारे बीच के भाई जिला पंचायत सदस्य भी हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो सीढ़ी हम ही चढ़े तो हम वहाँ पहुँचे कहलाएंगे, है ना। हमारे बीच के बहुत सारे सहयोगी ऐसे साथी हैं कि वो सरपंच भी हैं, जनपद सदस्य भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उन्हीं सभी के सहयोग से, उन्हीं सभी के साथ की वजह से आज हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, और पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर के दिखाएंगे, हमारे सभी युवा सहयोगी साथी खरा उतर के दिखाएंगे। अब रही बात धन मिलने की, तो मैं बता दूं आपको कि हाँ, मुझे धन मिला है, और थोड़ी नहीं मिला है, बहुत मिला है। महाराजपुर विधानसभा के लगभग 50,000 घरों में कोहिनूर है, 50,000 घरों में डायमंड है, डायमंड जैसे युवा साथी हमारे साथ हैं। अब वो युवा जो हमारे साथ हैं, वो हमारे लिए किसी हीरे से, किसी मोती से कम नहीं है, तो इसमें तो कोई दुराह नहीं है, बिल्कुल मिला है। 50,000 डायमंड हमको मिले हैं युवा साथियों के रूप में। चलिए, अगर आप मान लीजिए कि उन युवा साथियों के, जिनको आप कोहिनूर कह रहे हैं, उनके दम पर, जनता के दम पर एक विकल्प के तौर पर उभरे और जनता ने आपको मौका दिया, आपका विजन क्या है अपने क्षेत्र में? किसी को हराने के लिए आप नेता बन रहे हैं, या आप भी कुछ सोच कर आए हैं, कुछ करने की बात रखते हैं? मोटा मोटा अगर मैं कोई 5 बड़े काम आपसे पूछूं कि जो आप क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो क्या विजन है आपका? देखिए, मैं किसी को हराने के लिए या खुद का नाम कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं हारूँ या जीतूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने लोगों के लिए संघर्ष करूँ, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ लड़ूँ, और जो योजनाएँ शासन से आ रही हैं उनको सही ढंग से उन तक पहुँचाने का कार्य करूँ। मेरा कतई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को हराऊँ या किसी को जिताऊँ। मैं सिर्फ सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं और सेवा करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात आपके आम आदमी पार्टी के थोड़ा बड़े दृष्टिकोण से भी पूछ लेते हैं,
मध्य प्रदेश में अभी बहुत कम सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान किए हैं आपकी पार्टी ने। छतरपुर में 6 सीटें हैं, सिर्फ आपका नाम ऐलान किया है। कब तक बाकी प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं, क्या चल रहा पार्टी के भीतर? बहुत जल्द से जल्द बाकी प्रत्याशियों के नाम भी आने वाले हैं और लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो हम दमखम के साथ 230 विधानसभाओं हैं, प्रत्येक सीट पर पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और रही लोकल मेरे विजन की बात, किस विजन पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मेरे लोकल के मुद्दे हैं, तो देखा जाए तो आज तक सिटिंग MLA हैं जैसे, इन्होंने किसान के लिए एक भी आवाज़ बनकर कार्य नहीं किया है आज तक, चाहे वो ex MLA भी हों, चाहे उनके पुत्र हों। तो मैंने आज तक किसी किसान मजदूर वर्ग या व्यापारी वर्ग के लिए किसी को लड़ते हुए नहीं देखा है, उसके हक अधिकार दिलाते हुए नहीं देखा है। तो हम उनके हक और अधिकार उनके घर तक पहुंचाएंगे, उन्हें लड़ने के लिए या संघर्ष करने के लिए या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि दिल्ली में एक नंबर जारी है, आपको जो भी सरकारी कार्य करवाना है, जो भी दफ्तर के कार्य हैं, आप कॉल कीजिए, कर्मचारी आपके घर आके आपका कार्य करके जाएगा, जो वो भी बिना रिश्वत के। और जैसे देखा जाए किसान सबसे ज़्यादा गायों से परेशान है, आवारा पशु से परेशान है। हम इसका भी व्यक्तिगत रूप से महाराजपुर विधानसभा में बदलाव लाएंगे। जितने भी आवारा पशु हमारी विधानसभा के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, उनका सभी का नस्ल परिवर्तित करवाएंगे। एक एक जो बछड़े हैं उनको पकड़ के बदिया करवाया जाएगा, ताकि और जो गाय हैं उनमें जर्सी का बीज डलवा कर उनको एक दुधारू गाय बनाया जाएगा, जिससे कि जो आवारा पशु हैं ये रोड पर भी नहीं रहेंगे, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे कि आप राजस्थान में देख लीजिए, आपको रोड पर बहुत कम गाय मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर नस्ल बदल दी है उन्होंने गाय की। वैसे ही हमारा प्रयास रहेगा कि अपने प्रदेश में भी हो, अपने जिले में भी हो, अपनी विधानसभा में भी हो। और जब इतना हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर जब गायें उपयोगी हो जाएंगी, दूध देंगी भरपूर, और तो साथ में जैसे कि मूत्र फिल्टर प्लांट भी लगवाएंगे, गोबर भी, गौमूत्र भी, इन सभी की फैक्ट्रीज डाली जाएंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर देश का विकास होगा और किसान परेशान भी नहीं होंगे। अब किसानों को लाइट भी समय समय पर नहीं दी जाती है, ट्रांसफार्मर भी खराब पड़े रहते हैं। तो एक किसान के बेटे हैं हम, किसान की आवाज़ बनकर उसकी सारी समस्याओं को सुलझाएंगे। आपने देखा होगा अभी खाद के लिए लाइन में लगे लगे किसान मर गए हैं। अभी हाल ही में बिजावर क्षेत्र का एक किसान एक्सपायर हो गया था। अब बताओ ये हाल है अपने प्रदेश का। महिलाओं पर अत्याचार में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। जितनी भी अभी जो युवाओं के लिए रोजगार निकलते हैं, व्यापन परीक्षाएं होती हैं, हर परीक्षा में घोटाला होता है। अब कैसे देश का भला होगा, कैसे आम नागरिक को उसके हक अधिकार मिलेंगे, कैसे पढ़ने वाले बच्चों को जॉब मिल पाएगी, आप ये बताइए। ये तो सिर्फ जो चंद पूंजीपति लोग हैं उनके हाथ में सारी योजनाएं सिमट के बैठी हुई हैं। एक आम नागरिक को तो उनका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा नहीं होने देगी। अच्छा, जो बातें आप कर रहे हैं यही बातें कांग्रेस ही भी करते हैं। कांग्रेस भी यही बात कहती है कि मध्य प्रदेश में 18 वर्षों में बड़ा बात करने में और होने में बहुत अंतर है। हमने मध्य प्रदेश दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया, पंजाब में जो कहा वो आज कर रहे हैं, इन्होंने जो कहा वो किया क्या है बताइए आप। आज BJP घोषणा पे घोषणा करती जा रही है, कर्जे पे कर्जा लेते जा रही है BJP सरकार। कैसे कैसे आम नागरिक का भला होगा, टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स के माध्यम से आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, इसमें किसका नुकसान है, कौन दर दर ठोकर खा रहा है, शिवराज सिंह सरकार? लाडली बहनों को हजार हजार बारह लाडली बहनों को एक मिनट लाडली बहनों को हजार रुपए से उनका भला हो जाएगा क्या? कितने दिन उनके घर का चूल्हा जल जाएगा हजार रुपए से? वो आप जो पीठ पीछे टैक्स बढ़ाकर महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो कितना भारी पड़ रहा है आम आदमी पर, उससे पूछे आम आदमी की कमर टूटी हुई है, वो घर के खर्च नहीं चला पा रहा है। आज आपने स्कूलों को बिजनेस बना रखा है, शिक्षा पूर्णतः बिजनेस में परिवर्तित हो गई है। आज सरकारी स्कूलों की दुर्दशा देखिए, मजबूर है आदमी प्राइवेट स्कूलों को में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसके बावजूद भी सही शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चों को, बिजनेस बना रखा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाइए आप, देखिए हेल्थ फैसिलिटीज क्या हैं अपने यहाँ, बिल्कुल जीरो हैं। आज फर्श पर लेटना पड़ रहा है मजदूर को, वो मरीज को। इन समस्याओं के कारण ही तो कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस ने भी तो लगभग 48 साल शासन किया है, कितना विकास किया, कितना परिवर्तन लाए वो,
आज आम आदमी पार्टी की सरकार देख लीजिए, दिल्ली में मेडिकल सेवाएं देख लीजिए, शिक्षा की सेवाएं देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों से लोग आ रहे हैं केजरीवाल मॉडल देखने के लिए। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल महाराजपुर के गांव के आदमी को कैसे समझ में आएगा? क्या केजरीवाल आ रहे हैं, सभा करेंगे वहां पे? बिल्कुल आएंगे, और वैसे भी महाराजपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के समझ में केजरीवाल मॉडल आ गया है, क्योंकि जो मजदूर इनसे सताए हुए लोग यहाँ से पलायन करके उनकी शरण में वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ कार्य करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी देखते हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं देखते हैं, उनकी शिक्षा सेवाएं देखते हैं, उसी आधार पर मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और बहुत बड़ी क्रांति आएगी, जिसमें ये दोनों भ्रष्टाचारी सरकारें जो हैं एक दरकिनार हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की एक स्वच्छ और साफ राजनीति मध्य प्रदेश में होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। रामजी पटेल हमारे साथ थे, आम आदमी पार्टी से महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं रामजी पटेल, और वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता केजरीवाल मॉडल को पसंद कर रही है। महाराजपुर विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी, लेकिन एक पढ़े लिखे युवा का राजनीति में आना काफ़ी हद तक ठीक संकेत लग रहा है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमें समय देने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।